वेलकम टू हस्ती बस्ती। ईद मुबारक बस्ती वालों, हमारी ईद तो बहुत सोच होकर गुजरी। आप लोगों की कैसी गुजरी अब हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें बताइएगा जरूर। या आप लोगों की जैसे भी गुजरी हमें प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि ईद को कैसे मनाते हैं। मैं तो जितनी बार भी ईद आई है मेरी जिंदगी में, मैं सोच होकर गुजारी है। और बेसिकली हमने इस बार भी सोकर गुजारी है। हम दो दिन पूरे सोए रहे हैं, बिल्कुल नहीं उठे, रूम से बाहर नहीं निकले हैं। पहले तो बड़ी शॉकिंग ईद थी ना, कि किसी को सुबह तक सुबह जाके तो पता चला लोगों की, ओह आज तो ईद है, आज तो कोई रोजा नहीं, आज तो ईद है। अच्छा, मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ एक चीज़ से कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 29 रोजे हों या 30 रोजे हों, लेकिन थोड़ा जल्दी बता देते। झटका लगा ना, मतलब हाँ? सबसे ज्यादा बड़ा झटका तो दर्जियों का लगा है इस बार। एग्जैक्टली, उनके सर पे तो पहाड़ टूटे हैं ना। सच में वो बेचारे आराम से 9-10 बजे जाके सोए होंगे कि यार बाकी कपड़े कल सी लेंगे, लेकिन 11-12 बजे जो उनको कॉल आना शुरू हुई होंगे ना क्लाइंट्स की, के मेरा सूट नहीं बना, मेरा खुद का सूट नहीं बना था। इंसिडेंट तो आपके साथ भी हुआ है ना। एग्जैक्टली, क्या किया फिर? मैं 4 बजे तक बैठी टेलर के पास, मैंने कहा सी के दे, मुझे नहीं पता, मेरी शर्ट सी के दे, बाकी सारे बेशक रह जाए। उस बेचारी ने 4 बजे तक बैठ के सिए, उसका उसकी क्या ईद गुजरती होगी बेचारे टेलर। खाने का फायदा था वैसे आपका, मतलब 2 दिन सोकर गुजार दिया, क्या फायदा हुआ टेलर के सर पे। 4 बजे तक जागूंगी तो जाहिर है अगले सारा दिन सोना ही था ना। अच्छा, वैसे मैं ना बड़ा एक डिस्टर्ब हूँ उनके बारे में भी, जो इत्तेकाफ़ में जो लोग बैठे होंगे, व्हाट डू यू थिंक, लाइक जो उठ कर घर चले गए होंगे। लाइक एक ज़माना होता था, ज़माना क्या पिछले साल की बात है, जो लोग इत्तेकाफ़ में बैठा करते थे, तो उन लोगों के लिए ना बड़ा मगरिब के बाद जब उनको पता चलता था कि यही अब छूटना है हमने, हाँ। कौन यार इतनी इबादत करते हैं तो छूटना होता, तो बड़े मोहल्ले वाले और खानदान वाले लोग सारे फूलों के हार लेके आते हैं और बहुत कुछ ईदी हाँ, वगैरह, और वो उनको फूल बनाते हैं, उनको हाँ पैसे शैसे भी देते हैं, मिठाइयां होती थी, बहुत पैसे वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो अब उनको क्या 11 बजे या 12 बजे जब सब सो रहे थे, तो उनको उनके घर वाले भी सो गए होंगे। एग्जैक्टली, कहाँ गए होंगे लोग, उनको डर, वो खुद ही उठ के बेचारे बाहर आ गए होंगे, उठाया होगा और वो लोग अपने घरों में और जाके दरवाजे बजा रहे होंगे, ईद हो गई है सुबह हमें। और मुझे ऐसा लगता है लड़कियों का भी बड़ा नुकसान हुआ है, वो जो चांद रात को इकट्ठी हुआ करती थी, कोई मेहंदियां लगवा रहा है, कोई चूड़ियां पहन रहा है, कोई क्या लगा हुआ है, तो एक मुझे तो ऐसा लगता है ईद से ज्यादा ना चांद रात का जो इवेंट है ना वो ज्यादा सेलिब्रेटिंग। देखो हमारी चांद रात स्पॉइल हो गया, आधी रात को हमारा दरवाजा बजा, अब दरवाजा क्यों बजा ये स्टोरी हम आपको चांद रात वाले व्लॉग में ही बताएंगे यहाँ पर नहीं। अच्छा वैसे मुझे एक बात तो बताएं, आपस की बात है, वैसे किस किस को पता चला सुबह सहरी के वक्त आज ईद है, कौन कौन ईद का अनाउंस होने से पहले ही सो गया था, और कौन कौन सहरी के लिए उठा था, या कौन कौन सहरी के बनाने के लिए उठा था और उसको बाद में पता चला कि आज तो ईद है। किसको ये सरप्राइज मिला सुबह सहरी के टाइम, हमें कमेंट्स में ये बात जरूर बताइएगा। 2 दिन से तो हम सोए रहे हैं, 2 दिन हमने ईद सोकर गुजार दी, हमें किसी ने ईद ही नहीं दी हम बेचारों को। तो अब हमने सोचा है कि हम खुद एक दूसरे को ईदी दें, और ईदी देने का हमने एक डिफरेंट तरीका निकाला है। ये हमारे पास कुछ चिट्स हैं जिन पर हमने ईदी ईद गिफ्ट्स और ईदी लिखी है कि कितनी और क्या होगा, तो ये जैसे जैसे उठाते जाएंगे इस पर जो होगा वो उसका नसीब वो उसको मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना घुस घुस के बैठे हुए हैं सारे, इतना कंजेस्टेड होकर बैठे हुए हैं, तो कोविड की वजह से जो चल रहा है सीन आजकल, तो हाँ मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग सारे सैनिटाइज हुए हैं और कोविड तो हम सबका नेगेटिव ही है, आई एम श्योर दैट, सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू लाइक दैट। सो जैसे हमने ईदी देने की बात की थी, और ये देखे हमारे पास कुछ भिखारी आए बैठे इनमें लिखा होगा कि हम इन्हें क्या गिफ्ट देने वाले हैं या हम कितने पैसे देने वाले हैं, और ये लोग यकीन नहीं कर रहे कि हम बाकी देने वाले हैं, मिली नहीं है ईदी। ओके हम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करें हम, इससे हम नहीं कर रहे, इसको बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो हम इसी से करते हैं, उमाइमा से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह केयर करे, अल्लाह केयर करे, वाकई उमाइमा की ईदी निकली है चॉकलेट, सो आई गिव यू चॉकलेट उमाइमा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकती है ना मेरे से चॉकलेट, नहीं बस फिर आपको वैसी चॉकलेट मिले जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये उमाइमा की चॉकलेट ईदी उमाइमा की, बड़े बड़े डेयरी मिल्क एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन माना आपको इज्जत नहीं मिलने वाली, इतना ही मिलता है। अच्छा माना आपको बहुत बहुत मुबारक,
मेरे को आप कुछ कहना चाहेंगे इस चॉकलेट के उसमें कुछ? यप, थैंक यू फॉर गिविंग दैट नाउ चॉकलेट, 5 रुपए की शुक्रिया आपका एक्सप्रेशन देखो इसके। ओके, अब किसको चाहिए? मे बी लाइबर, किसको चाहिए? नहीं चाहिए, मेरा भी क्या ही नहीं है, मैंने पैसे नहीं है, वो भी 5 रुपए ही होंगे क्या पता। कर लो कर लो हाथ पकड़ कर लो, ये हम कर लेते हैं इधर उधर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह बला। बोला ना आप लकी है, आपका अच्छा है। ये टू टाइम्स है मोना बिस्मिल्ला। चॉकलेट से मैं क्या हो रहा है, मुझे भी नाम मिलेगी चॉकलेट हमारे बजट के हिसाब से, इतने हमारे बजट के हिसाब से आप लो, हम शेयर में लेंगे लाइव और फिर भी दे रहे हैं। अच्छा आप स्पीच तो ले लें इससे, चॉकलेट जी क्या कहना चाहेंगे? प्लीज चॉकलेट से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगता था मेरा भी लाइवा की तरह ही कुछ निकलेगा। थैंक्स, शुक्र करो जूते नहीं लिए। ओके ओके, पता चलता सर में जूते पड़ने लगे। मेरी बारी, चलो कितनी जल्दी है इसका। ओह माय गॉड, प्लीज कुछ हो अंदर, पैसे आ पाँच रुपए तो माय गॉड के 5 रुपए निकले लकी हो गई, लकी हो 2-5 रुपए वेरी लकी क्या जैसे मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी आप लोगों से, हम जैसे कंजूस दे रहे हैं सच्ची में। हम पहले नहीं कर तो मिसबा दे रही है इनको, और ये देखें हम 5 रुपए वाकई में हम इजी दे रहे हैं, ये वाकई में इससे ले रही हैं। क्या फील कर रही है? बहुत ही प्राउड फील कर रही है पहली ईदी लेके। ओके, लाइबा लेना चाहेंगे? लाइबा दुआ करके ले, मान ले मान ले, चलो क्या चाहिए, भलाई करे मेरा। चलो देखते हैं संभाल नहीं जा रही है ये, आगे पीछे देख ले, ये 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। मोना क्या ख्याल है, क्या होगा? हो सकता है। अच्छा चले, ये माहौल बहुत गर्म, मैं कौन से उठाऊ? ये लोग पिछले नाव खाने में पछताना पड़ा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, सब मिलकर हम मोना को ईद मुबारक विश करेंगे। ईद मुबारक, थैंक यू। ये देखो टू टाइम्स हमारी हो गई, हमारे भिखारियों को ईदी मिल गई। सब में से लकी मैं थी, ये हमारी कॉइन है ईदी की। तो इस खुशी में ना मैं आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि आप जीती हैं ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? या कोई नहीं, मैं ना आपको स्पीच करना चाहेंगे क्योंकि आप इतना सब कुछ जीती हैं, आप क्वीन बनी है हमारे इस कॉन्टेस्ट की। क्या हुआ, मैं स्पीच दूं? यस, थैंक यू फॉर गिविंग दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दैट फर्स्ट ईदी ऑफ माय ईद। सच्ची में ये मेरी लाइफ की पहली ईदी है, 15 रुपए जो मैंने जमा के बुलाया था, किसी ने भी नहीं थी। हमने दे दिया, शुक्रिया, प्लीज हमें अच्छे बड़ा करे, रिश्ता भी कर दे, चलो 2 रुपए मिल गए। लाइबा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी 2 रुपए बहुत कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं यार, कितने शुक्रगुजार हमारे। मैं तो बड़े हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, आपने चुन चुन के उठा के बिठाए। आप कुछ बोलेंगी? मैं तो भी कंग्रेस करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसे कंग्रेचुलेट करूँ या फिर उसे वो करूँ, अफसोस करूँ उस पर, छोड़े।
अपना तो कुछ नहीं याद आ रहा ना, अपना तो मिड में है ना हम तो वो बीच वाला सीन है। ओके सो अब हम अपने बस्ती वालों को सब मिलकर ईद मुबारक विश करते हैं और हम अलविदा लेते हैं उनसे। ओके सो ईद मुबारक। सो कम ऑन डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। कहाँ गया? यहाँ 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 ये बटन पे क्लिक करें। कम ऑन डू दैट।